दोस्तों आपने देखा होगा सड़कों पे सफेद और पीली लाइनों को, लेकिन वो दोस्तों क्यों होती है लाइनें, क्या भी आपने सोचा है क्या? और दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोते समय खर्राटे लेते हैं, क्या दोस्तों आपको पता वो लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? दोस्तों ऑपरेशन करते समय डॉक्टर हमेशा हरे या नीले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 7, दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली व्हेल को आपने कभी देखा होगा जरूर। वैसे तो दोस्तों व्हेल मछली का वजन 1400 किलो के आसपास होता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी सैकड़ों टन वजनी मछली व्हेल का दिल का वजन करीब 181 किलोग्राम के आसपास होता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने कई बार पानी की बोतल खरीदी होगी लेकिन उस पर लिखी एक्सपायरी डेट भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वह पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है, क्योंकि दोस्तों पानी कभी भी खराब नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों टूथपेस्ट किसी खाद्य पदार्थ से नहीं बनता है बल्कि जानवर के हड्डियों के चूरे से बनता है। दोस्तों जानवरों के हड्डियों के चूरे के साथ साथ इसमें एक और खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है फ्लोराइड। फैक्ट नंबर 4, आखिर दोस्तों रेलवे के ट्रैक के बीच में पत्थर क्यों भेजा जाए? दोस्तों आपको बता दूं जब ट्रेन चलती है ट्रैक पर तो कंपन पैदा होती है और इस कारण दोस्तों पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है, तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए पत्थर भेजे जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ऑपरेशन करते समय डॉक्टर हमेशा हरे या नीले रंग का ही कपड़ा क्यों पहनता है? दोस्तों कभी आपने सोचा इसके पीछे का कारण क्या? दोस्तों मैं आपको बता दूं दरअसल दोस्तों देर समय तक लाल रंग को देखने के बाद जब हमारी नजरें सफेद रंग पर पड़ती है तो आंखों से सूखने लगता है और हमें सफेद रंग के साथ साथ और भी कई सारे रंग नजर आने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों डॉक्टर ऑपरेशन के समय हमेशा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, यही वजह है कि डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान हमेशा हरे या नीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति कभी सोता है तो वह खर्राटे क्यों लेता? मैं आपको बता दूं नींद के दौरान जब हम सांस लेते हैं और सोते हैं तब हमारी गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू में कंपन की वजह से हम खर्राटे लेते हैं। दोस्तों ये मुलायम ऊतक हमारी नाक के रास्ते से मुंह के ऊपरी हिस्से में होते हैं और दोस्तों जब आप सोते हैं तो हवा के जाने का रास्ता आराम की स्थिति में होता है, तब हवा को अंदर से बाहर जाने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से मुलायम ऊतकों में कंपन पैदा हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश की सड़कें विभिन्न राज्यों से लेकर शहर और गांव तक को जोड़ती हैं, प्रतिदिन हम सड़क से होकर गुजरते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सड़क के बीच में लाइन क्यों बनाई जाती है? और दोस्तों अलग अलग रंग की लाइन का क्या मतलब होता है? आपको बता दूं सबसे पहले सीधी सफेद और पीली लाइन का मतलब है कि आप अपने खुद की लेन में चलते रहे, लाइन को पार ना करें और दोस्तों आप किसी भी वाहन को इस एरिया में ओवरटेक नहीं कर सकते, हालांकि आप किसी बाधा से बचने के लिए सड़क से बाहर जाने के लिए इस लाइन को पार कर सकते हैं। और दोस्तों इस सीधी सफेद और पीली लाइन को बैरियर लाइन भी कहते हैं। और दोस्तों यदि आपको सड़क पर एक सफेद पीली रेखा दिखाई देती है लेकिन टुकड़ों में समझ ले कि आपको टूटी हुई सफेद और पीली लाइन के ऊपर से गुजरने की अनुमति है, लेकिन सावधानी के साथ यदि आपको जब डबल सफेद लाइन दिखे तो समझ जाना है कि अब सीधी ही रेखा में ही चलना चाहिए। जय महाकाल। दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।